अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कामरान यूनिस है। मैं आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एट लाकर नेशनल हॉस्पिटल कराची। आज मैं आपको बच्चों के जो दिल के अमराज होते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बच्चों के दिल के अमराज दो किस्म के होते हैं, एक पैदाइशी मसले होते हैं और एक जो है पैदाइश के बाद वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ मुतअद्दी बीमारियों के सूरत में ज़ाहिर होते हैं। जो बच्चों के पैदाइशी मसले होते हैं उसमें जो मोस्ट कॉमन मसला होता है वो बच्चों के दिल में होल इन द हार्ट या सुराख होता है दिल के अंदर। इस मसले के साथ बच्चे जब पैदा होते हैं तो तकरीबन पैदाइश कुछ हफ्तों के बाद डिपेंडिंग के कितना बड़ा सुराख है इन बच्चों को फीड करने मसला शुरू होता है और इनका फीड करने में जो तकलीफ़ होती है सांस फूलना शुरू करता है इनका जो है पसीना आना शुरू होता है और बच्चा वज़न नहीं बढ़ाता है और बच्चे बार बार बीमार होते हैं। इस बीमारी का इलाज जो है मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है। शुरू में तो इसका इलाज दवाइयों से किया जाता है ताकि इसके जो है बच्चे का जो थकने का अमल है उसको कम किया जा सके, फेफड़ों का गीलापन कम किया जा सके और बच्चा जो है वज़न वगैरह बढ़ा सके। और फिर इसके बाद डिपेंडिंग के किस जगह पर ये सुराख है उसको इलाज किया जाता है। अगर ये सुराख गोश के अंदर सुराख है तो अमूमन उसको दवाइयों वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और वो खुद बखुद ही वक्त के साथ बंद हो जाता है। लेकिन अगर ये सुराख नीचे वाले पर्दे के ऊपर की तरफ है तो अमूमन ये खुद बंद नहीं होता और सूरत में फिर उसको दवाइयों की या फिर ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इस बीमारी का इलाज शुरू में दवाइयों के साथ जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इसके अलावा इनको ऑपरेशन के जरिए जिसमें पेवन लगाकर सुराख को बंद किया जाता है जो तकरीबन 6-7 महीने की उम्र में पाकिस्तान में अमूमन किया जाता है। इसके अलावा एक और तरीका इलाज ये कि अगर इस डिपेंडिंग इसकी लोकेशन क्या है सुराख की, इसका एंजियोग्राफी से भी इलाज किया जाता है जो बड़े बच्चों में नस्बतन बड़े बच्चों में तकरीबन 7-8 साल की उम्र में किया जाता है। इसके अलावा इस बीमारी के साथ अगर सुराख के साथ साथ जो है फेफड़ों की शरियान तंगी भी हो तो इन बच्चों को नीलेपन के मसले होते हैं और उन बीमारी का इलाज यूजुअली जो है अमूमन वो ऑपरेशन के ज़रिए ही किया जाता है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम मुहर्रम की मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करके जिसमें सारी कांटेक्ट डिटेल्स मौजूद हैं और इसके अलावा मेरी जो ऑपरेटिंग टाइमिंग्स और कंसल्टेशन जहाँ मैं करता हूँ उनकी डिटेल्स मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुहर्रम की हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करके मेरी यूट्यूब पर जो वीडियोज़ वगैरह हैं उनको भी देख सकते हैं और उनसे जो रहनुमाई करना चाहें कर सकते हैं।